हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुकी है। यस दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज कर दिया है, जो नोटिस आपके मॉक टेस्ट को लेके है। मतलब जितने भी स्टूडेंट का भी एग्जाम आने वाला है, उन सभी स्टूडेंट का मॉक टेस्ट कब और किस टाइम पे होने वाला है, कब से चालू होने वाला है, पूरा डिटेल में इस नोटिस में आप लोगों के लिए दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो देख सकते हो दोस्तों कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक नोटिस दिखाई दे रही है, और ये नोटिस सभी स्टूडेंट के लिए है कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वो मॉक टेस्ट 1 आवर का होने वाला है, 1 घंटे का होने वाला है। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये सेमेस्टर पैटर्न एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए है, और ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम जनवरी से दिसंबर सेशन के जो स्टूडेंट है। अब कौन कौन से कोर्स के स्टूडेंट के प्रोग्राम के लिए है, तो FIBA, FIBCOM, MCOM, MSM1, ठीक है, बता MCOM सेम 1, MSM1, रिपीटर, देन उसके बाद FIBA, FIBCOM, MCOM, MA, सेम 2 के स्टूडेंट जो फ्रेशर स्टूडेंट है, इन सभी स्टूडेंट का मॉक टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, आपका जो मॉक टेस्ट है वो 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन चालू कब से होने वाला है, ये 22 जनवरी से आपका मॉक टेस्ट चालू होने वाला है, ठीक है। और ये जो है आपका मॉक टेस्ट 26 जनवरी तक चलने वाला है। तो मतलब आपके पास अभी भी टाइम है, कभी भी आप मॉक टेस्ट ओपन कर सकते हो, 24 आवर्स के लिए आपके पास टाइम है। मॉक टेस्ट ओपन करो और अपना मॉक टेस्ट दे दो। अच्छा, दिमाग में आएगा कि भाई अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उन्होंने कुछ इधर इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट किया है, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर मॉक टेस्ट बिफोर अपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मुंबई यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट है, मतलब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, आप सभी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, 100% दीजिए। रीजन है कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे तो यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि आप इस वाले एग्जाम में बैठने वाले हो, क्योंकि काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम अप्लाई नहीं करते, भूल जाते, मिस आउट हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप अपना मॉक टेस्ट दो, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास भी उसका रिकॉर्ड रहेगा कि इस बार ये स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं। देन उसके अलावा दोस्तों बात आती है कि ठीक है सर, ऑनलाइन एग्जाम हम देने वाले हैं तो हमारा पासवर्ड और आईडी कब आएगा। तो दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका मॉक टेस्ट का जो है वो रिसीव हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, प्लस आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर मॉक टेस्ट का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है क्या वही एग्जामिनेशन का भी है? तो यस दोस्तों, जो आपने मॉक टेस्ट में आईडी और पासवर्ड यूज करोगे, वही आपके एग्जाम टाइम पे भी आपको वही आईडी और पासवर्ड यूज करना है। देन उसके अलावा अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है मॉक टेस्ट को लेके, और वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे अपने एग्जामिनेशन को लेके, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो दोस्तों ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इतने आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप इस सभी नंबर पे कॉल कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। सिर्फ संडे को छोड़ के आप संडे को कोई भी कॉल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बात करो तो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी आईडेल ने खुद भी अपने तरफ से एक नंबर दिए हुए, 2 नंबर दिए हुए आप लोगों के लिए, ओनली बिटवीन ऑफिस आवर्स, मतलब जो ऑफिस आवर्स है उसी के बीच में आप कॉल कर सकते हो, जो ऑफिस आवर्स इन्होंने लिखा हुआ है 10:30 to 5:30, आप इसके बीच में ही कॉल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको नोटिस अच्छा लगा होगा, वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और दोस्तों यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।